सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। संसद के मानसून सत्र के आज अंतिम दिन को सरकार राज्यसभा में 3 तलाक विधेयक को पेश करेगी। इसके लिए भाजपा ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है, लिहाजा इस बिल को संसद की मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आज राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने इस मसले पर विपक्ष से सलाह मशवरा नहीं किया। वहीं विपक्ष राफेल डील को लेकर सदन में हंगामा कर सकता है। इससे पहले गुरुवार को सरकार ने मुस्लिमों में 3 तलाक से जुड़े प्रस्तावित कानून में आरोपी को सुनवाई से पहले जमानत जैसे कुछ संरक्षणात्मक प्रावधानों को मंजूरी दे दी थी। सरकार ने इस कदम से इन चिंताओं को दूर रखने का प्रयास किया है कि 3 तलाक की परंपरा को अवैध घोषित करने तथा पति को 3 साल तक की सजा देने वाले इस प्रस्तावित कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह महिला अधिकार संरक्षण विधेयक में 3 संशोधन को मंजूरी दी है। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है और यह राज्यसभा में लंबित है। प्रस्तावित कानून गैर जमानती बना रहेगा, लेकिन आरोपी जमानत मांगने के लिए सुनवाई से पहले भी मजिस्ट्रेट से गुहार लगा सकते हैं। गैर जमानती कानून के तहत जमानत पुलिस द्वारा थाने में नहीं दी जा सकती है। न्यूज़ टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट।